अव्यवस्था और विवादों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहा बड़गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल पूरा मामला बड़गांव थाना अंतर्गत मुरावंडी गांव का है, जहां शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीबन 2 बजे सोभी राम दर्रो अपनी गर्भवती पत्नी जानोबाई दर्रो को प्रसव के लिए बड़गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया था, जिसके बाद गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। परंतु कुछ समय बाद गर्भवती महिला की हालात बिगड़ने पर दुर्गू कोंदर रेफर किया गया। परिजनों का आरोप है कि गर्भवती महिला के साथ स्टाफ नर्सों ने मारपीट की, जिसके चलते गर्भवती महिला की हालत बिगड़ी और तत्काल रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि गर्भवती महिला को बड़गांव से दुर्गू कोंदर रेफर किया गया, जिसके बाद वहां से भानु प्रतापपुर सिविल अस्पताल रेफर किया गया, फिर वहां से गौतम अस्पताल रेफर किया गया, उसके बाद रायपुर रेफर किया गया, जहां गर्भवती महिला का ऑपरेशन कर बच्चे का प्रसव किया गया। तमाम जगहों पर रेफर करने के बाद रायपुर में महिला का प्रसव तो हुआ, परंतु जन्म हुआ बच्चा मृत निकला। नाराज सैकड़ों परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़गांव पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। डॉक्टर जेएल उइके जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मामला गंभीर है, मामले की जांच करवाता हूं, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। मुरवांडी से रात के 3 बजे लगभग लाए थे सर, रात में लाया और रात में सुबह शायद टाइम कुछ मालूम नहीं, लेकिन उसका समय में मारपीट चली, मैडम लोग मार दिए किसको, डिलीवरी करने के इस वाले को, फिर मारने के बाद यहाँ से दुर्ग कुंदर हॉस्पिटल भेज दिए, यहाँ से अब वहाँ से भानु से वहाँ से पोस्टमार्टम करके बच्चा को निकाल दिए, बच्चे खत्म हो गए सर। अच्छा ठीक है। का नाम है भैया? पुनाबू। कहाँ रहते हैं? मुरवंडी। क्या घटना घट गई यहाँ बड़गांव में? मतलब अरे सर, यहाँ लाए थे मेरा दीदी को यहाँ पे डिलीवरी के लिए और डिलीवरी के लाए थे, और फिर सुबह आया मैं यहाँ, उसके बाद फिर वो मैं पूछा यहाँ नहीं होगा, इधर कुंदल ले जाओ करके बोली, तो हमें जोर निकली है, लगा बच्चा खत्म हो गया करके बोल दिया, और मारपीट भी किया है। मैं वहाँ पे दीदी, मेरा दीदी है यहाँ पे, मैं बोले तो मैं उधर दुर्ग कुंदल नहीं जाऊँगा, मैं इधर मारपीट होता है, मेरे पैर को पकड़ा, उसके बाद जा। किसके साथ मारपीट हुआ है? तो मेरा सिस्टर के साथ। सिस्टर मारपीट की है? मारपीट की है। जिसका डिलीवरी होना था उसके साथ। हाँ, उसके साथ उसे की है, उसके बाद अभी क्या स्थिति है बच्चा का? क्या स्थिति है? खत्म हो गया सर, मारपीट खत्म हो गया बच्चे। कौन मारपीट किया है? मतलब यहाँ मारपीट किया तो सिस्टर तो यहाँ पेट वेट को दे दिया होगा, मैं तो समय नहीं था, लेकिन वो बताया दीदी ने पैर को पकड़ा, मैं उधर नहीं जाऊँगा, यहाँ मारपीट हो गया है करके वो बोल दिया मेरे को, मैं उधर नहीं जाऊँगा। कुछ भी हो, हम लोग देवी देवता को हम देखेंगे, और इधर कुछ भी हो, मारपीट भी हो, लेकिन अपन का जीवन को बचना चाहिए, जाओ दुर्ग कुंदल बचता है तो वहाँ जाए, ऐसे करके मैं बोल दिया।